हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रेयान और मैं आ चुका हूं एक और नई वीडियो लेके। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूं कि आपको एक पीसी एकदम स्क्रैच से कैसे बिल्ड करना है और आपको क्या क्या टूल्स चाहिए होगा, आपको क्या क्या पार्ट्स चाहिए होंगे पीसी बिल्ड करने के लिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरी वीडियो ज़रूर देख के जाना। तो पहले बात कर लेते हैं हम टूल्स के बारे में। टूल्स हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक स्टार स्क्रूड्राइवर चाहिए और एक फ्लैट सर्फेस चाहिए, वो एक टेबल हो सकता है या फिर फ्लोर भी हो सकता है, कोई भी इशू नहीं है। जो पहला चीज़ आपको चाहिए होगा वो एक मदरबोर्ड। आपको मदरबोर्ड को सिर्फ एक फ्लैट सरफेस में प्लेस करना है। आप इसके लिए मदरबोर्ड के साथ जो बॉक्स आता है उसको भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट आपको चाहिए होगा वो एक प्रोसेसर। मेरे पास राइजन 7 2700X है। अभी प्रोसेसर को मदरबोर्ड पे लगाने के लिए आपको प्रोसेसर के नीचे की तरफ एक ट्रायंगल दिखेगा। सिंपली आपको उस ट्रायंगल को मैच कर लेना, आपके मदरबोर्ड पे भी एक ट्रायंगल होगा उसके साथ। एक बार लीड ओपन करने के बाद आपको आराम से इस प्रोसेसर को सेट करना है, कोई फोर्स देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार सेट हो जाने के बाद आपको सिर्फ लीड को क्लोज कर देना है। अभी जो नेक्स्ट कंपोनेंट आपको चाहिए होगा वो एक्चुअली रैम है। तो रैम मेरे पास 2 8GB की स्टिक्स है। आपके पास आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले सकते हो ये। अगर आपके मदरबोर्ड पे 4 RAM स्लॉट्स है और आपको 2 RAM स्टिक्स लगाना है और आपको डुअल चैनल का फ़ायदा भी उठाना है, तो एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि आप रैम स्टिक को साइड बाय साइड प्लेस करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, आपको डुअल चैनल का फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे मदरबोर्ड पे 4 RAM स्लॉट्स है, आपके मदरबोर्ड पे 2 भी हो सकता है या फिर 4 से ज़्यादा भी हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिंपली करना क्या है, रैम स्लॉट के दोनों साइड में आपको एक क्लिप देखने को मिलेगा। आपके मदरबोर्ड पे एक साइड में भी क्लिप हो सकता है, आपको सिर्फ उस क्लिप्स को सिंपली प्रेस करके ओपन करना है। आपको रैम के नीचे की तरफ एक नॉच देखने को मिलेगा, उस नॉच को आपको रैम स्लॉट के नॉच के साथ मैच करना है और सिंपली आपको एक एक करके दोनों ही साइड में थोड़ा सा प्रेशर देना है और रैम अपने आप ही लॉक हो जाएगा। यही मेथड यूज़ करके आपको दूसरा रैम भी एक स्लॉट को छोड़ के अगले वाले स्लॉट में लगा लेना है। अभी जो नेक्स्ट कंपोनेंट हम यूज़ करने वाले वो एक M.2 SSD है। अभी M.2 SSD इंस्टॉल करने के लिए आपको मेरे मदरबोर्ड पे एक M.2 शील्ड दिखेगा, जो कि बेसिकली एक M.2 स्लॉट का कवर है। ये आपके मदरबोर्ड पे ना भी हो सकता है, इसको आपको हटा लेना है। अभी M.2 SSD में आपको एक नॉच दिखेगा, आपको सिर्फ उस नॉच को मैच करना है अपने मदरबोर्ड के M.2 स्लॉट के नॉच के साथ और इसको सिंपली जेंटली पुश कर देना है। एक बार लॉक हो जाने के बाद आपको सिर्फ इसको स्क्रू के साथ टाइट कर लेना है। अगर आपके पास M.2 शील्ड है तो आपको उसको भी लगा के सिंपली थोड़ा सा टाइट कर लेना है, ज़्यादा फोर्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाइस, अभी मैं कैबिनेट को लेके आ चुका हूँ। अभी ये सब केबल्स देख के ऑब्वियसली आपको डर लगने वाला है अगर आप एक फर्स्ट टाइम पीसी बिल्ड कर रहे हो। मुझे भी लगा था जब मैं फर्स्ट टाइम पीसी बिल्ड किया था, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली ईजिली समझाने वाला हूँ आपको करना क्या है, कोई डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद आपको एक मदरबोर्ड के बॉक्स में ऐसा आयोशील पैनल मिल जाएगा। बहुत सारे मदरबोर्ड पे ये प्री इंस्टॉल भी रहता है, लेकिन ज़्यादातर मदरबोर्ड के साथ ये आ जाता है, प्री इंस्टॉल नहीं रहता है। एक बार आयोशील पैनल वहाँ पे सेट हो जाने के बाद आपको सिर्फ अपना मदरबोर्ड के जो पोर्ट्स है वहाँ पे आयोशील पैनल के पोर्ट्स के साथ मैच करना है और स्क्रूज़ के मदद से आपको अपना मदरबोर्ड कैबिनेट में फिक्स कर लेना है। टोटल 9 स्क्रूज़ आपको देखने को मिल सकता है। आप 9 स्क्रूज़ भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप इससे कम भी यूज़ कर सकते हो। अभी आप यहाँ पे बहुत सारे केबल्स देख सकते हो। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप पावर सप्लाई लगाने से पहले फ्रंट पैनल के जो केबल्स होते हैं उनको मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर लो। ये जो ब्लू वाला केबल है वो बेसिकली USB 3 का केबल है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ आपके मदरबोर्ड के नीचे की तरफ आपको एक USB 3 लिखा हुआ पोर्ट मिलेगा। आपको सिर्फ उस पर चेक करना है कि वहाँ पे एक पिन मिसिंग होगा, वही पिन मिसिंग आपको ब्लू वाले जो केबल है उसमें भी देखने को मिलेगा। सो आपको सिर्फ उसको मैच करना है, उसमें डाल देना है। इसको डालते ही हमारा USB 3 रेडी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट केबल हम लगाने वाले हैं वो HD ऑडियो है। HD ऑडियो लगाने के लिए आपके मदरबोर्ड के नीचे की तरफ ही आपको एक HD ऑडियो लिखा हुआ भी पोर्ट मिलेगा, वहाँ पे भी सेम आपको एक पिन मिसिंग दिखेगा। आपको सिर्फ उसके साथ मैच करके इसको भी प्रेस करके लगा लेना है। तो अभी जो नेक्स्ट केबल हम यूज़ करने वाले हैं उसमें आपको USB लिखा हुआ मिलेगा, वो बेसिकली आपके फ्रंट पैनल में ब्लैक कलर के जो USB पोर्ट्स होते हैं उसके लिए है, USB 2 के पोर्ट्स। इसको कनेक्ट करने के लिए आपके मदरबोर्ड पे यहाँ पे आप देख सकते हो USB लिखा हुआ स्लॉट आपको देखने को मिलेगा। तो आपको सिर्फ किसी भी एक USB लिखा हुआ स्लॉट में आपको इसको कनेक्ट कर लेना है। अभी आता है सबसे कन्फ्यूजिंग पार्ट। आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स देखने को मिलेंगे जिसमें लिखा हुआ होगा पावर स्विच, पावर LED, रीसेट स्विच और HD LED। इसको कनेक्ट करने के लिए आपको अपने मदरबोर्ड का जो यूज़र मैनुअल होता है उसका हेल्प लेना ही होगा।
आपके मदरबोर्ड का जो यूज़र मैनुअल है उसमें आपको क्लियरली मेंशन किया गया होगा कि आपको ये छोटे छोटे पिंस कहाँ पे इंस्टॉल करना है। आपको अपने मदरबोर्ड के नीचे के तरफ एक JFP1 करके स्लॉट दिखेगा, आपको उसी में ये सारे छोटे छोटे पिंस कनेक्ट करना है। अभी जो पहला स्विच हम कनेक्ट करने वाले हैं वो है HDD LED। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस और माइनस सिंबल दिया गया है, तो प्लस लेफ्ट साइड में होगा। इसी हिसाब से हमें मिला के उस JFP1 स्लॉट में आराम से HDD LED पिन को कनेक्ट कर लेना है। अभी जो नेक्स्ट पिन हम कनेक्ट करने वाले हैं वो एक रीसेट स्विच। रीसेट स्विच के पिन में आपको प्लस माइनस देखने को नहीं मिलेगा, तो आप कैसे भी करके इसको कनेक्ट कर सकते हो। अभी जो बाकी रहता है वो है पावर स्विच। पावर स्विच में भी आपको प्लस माइनस देखने को नहीं मिलता है, तो इसको भी आप किसी भी डायरेक्शन में कनेक्ट कर पाओगे। अभी जो लास्ट दो पिन्स बाकी रहते हैं वो है पावर LED प्लस और माइनस। प्लस वाला पिन आपको लेफ्ट साइड के पोर्ट में डालना है और माइनस वाला पिन आपको राइट साइड के पोर्ट में डालना है। बहुत ही इजी है गाइस, आप आराम से कर लोगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना है बस। तो इन सारे पिन्स को कनेक्ट कर लेने के बाद आपका जो फ्रंट पैनल है वो कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा। इसके बाद ये सारे केबल्स जो आप देख पा रहे हो ये बेसिकली फ्रंट के जो प्री इंस्टॉल फैंस आते हैं उनके केबल्स हैं। इसमें आपको दो हेडर देखने को मिलता है, एक तो मोलेक्स हेडर है जो बड़ा वाला हेडर है, इसको आप डायरेक्टली पावर सप्लाई में भी कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आपका जो ये छोटा वाला हेडर है आप इसको मदरबोर्ड पे भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। सिस्टम फैन नाम का आपको हेडर मिलेगा। अभी जो नेक्स्ट चीज़ हम करने वाले हैं वो हमारे पावर सप्लाई को इंस्टॉल करने वाले हैं। मेरा वाला एक सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, तो सिर्फ दो ही पोर्ट्स मुझे डायरेक्टली मिलता है, जो कि बेसिकली एक 24 पिन कनेक्टर है और एक 8 पिन CPU पावर कनेक्टर है, और बाकी सारे पोर्ट्स के जो केबल्स है वो बॉक्स में मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आपके पास एक नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई है तो कोई केबल्स आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं होगा, आपको सारे ही केबल्स डायरेक्टली मिल जाएगा वहाँ पे ही। एक बार इसको फिट कर लेने के बाद आपको सिंपली स्क्रू से टाइट कर लेना है। गाइस अभी हमने पावर सप्लाई तो लगा लिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हमें कौन से केबल सही होंगे। हमें एक PCI केबल सही होगा जो कि बेसिकली एक 8 पिन केबल है। ये मेरे वाले में 6+2 वाला 8 पिन केबल है, यहाँ पे 6 और 2 ऐसे अलग से हो जाता है। आपके अगर ग्राफिक्स कार्ड पे एक 6 पिन कनेक्टर चाहिए तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर 8 पिन चाहिए तो आप ऐसे एक साथ भी यूज़ कर सकते हो। और एक केबल चाहिए होगा आपको, एक सेटा वाला केबल चाहिए होगा आपके हार्ड डिस्क को पावर देने के लिए। हार्ड डिस्क अभी तक मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, लेकिन मैं वो भी आपको करके दिखाने वाला हूँ। अभी जो ग्राफिक्स कार्ड के लिए केबल है PCI केबल, उसको मुझे PCI स्लॉट में कनेक्ट करना है। और आपको सेटा केबल चाहिए होगा हार्ड डिस्क या फिर मोलेक्स कनेक्टर यूज़ करने के लिए, उसको आपको सेटा पोर्ट में कनेक्ट कर लेना है। अभी मैं आपको एक बार सारे केबल्स को लगा के दिखा देता हूँ। तो पहला जो केबल हमें चाहिए होगा वो एक CPU पावर का केबल चाहिए होगा, जो कि बेसिकली एक 8 पिन केबल ही होता है, 4+4 भी हो सकता है, मेरा वाला भी 4+4 है। आपके CPU पावर के लिए आपके मदरबोर्ड पे 4 पिन भी हो सकता है, 8 पिन भी हो सकता है, बहुत सारे मदरबोर्ड पे 12 पिन भी है, जैसे कि मेरे मदरबोर्ड पे 12 पिन कनेक्टर है, लेकिन 8 पिन एनफ रहता है। अगर आपका बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला कंप्यूटर नहीं है तो आपको 8 पिन से काम चल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लो, मेरे वाले में 8+4 पिन कनेक्टर है, टोटल 12 पिन कनेक्टर है, लेकिन मैं 8 पिन ही यूज़ करने वाला हूँ, 4 पिन को छोड़ने वाला हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे एक क्लिप जैसा मिलेगा, आपको उसको मैच कर लेना है स्लॉट के साथ और प्रेस कर लेना है जेंटली। अभी जो दूसरा केबल हमें चाहिए होगा वो बेसिकली यहाँ पे एक 24 पिन कनेक्टर आपको देखने को मिलेगा, ये वाला केबल हमें चाहिए होगा। ये वाला केबल हमें कनेक्ट कहाँ पे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे रैम के साइड में ही बेसिकली यूजुअली ये रहता है, ये वाला पोर्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक 24 पिन का एक बड़ा सा पोर्ट है, आपको इसमें ही कनेक्ट करना है इस वाले को। तो आप यहाँ से ला सकते हो इसको। और एक चीज़ है गाइस, आप कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होना, आपको इस पोर्ट में ना एक, मैं आपको एक बार फोकस करके दिखा देता हूँ, आपको इस पोर्ट में ना एक यहाँ पे मिसिंग पिन दिखेगा, ये वाला मिसिंग ही रहता है, ये वाला पिन नहीं रहता है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये वाला ऐसा ही रहता है। इसमें भी आपको एक क्लिप देखने को मिलेगा, उसको सिर्फ आपको मैच करके प्रेस कर लेना है, ऐसे ही आपका 24 पिन कनेक्टर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। अभी जो नेक्स्ट चीज़ हम करने वाले हैं वो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने सेटा केबल लगाया था पावर सप्लाई से, वो वाला हम कनेक्ट करने वाले हैं हार्ड डिस्क पे। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बहुत सारे जो सेटा केबल आता है ना, उसमें
आपको मोलेक्स कनेक्टर भी सेटा केबल में ही देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको दो दो सेटा केबल मतलब सेटा केबल के पोर्ट्स देखने को मिलेगा। आप कंफ्यूज मत होना, आप किसी भी एक को लगा सकते हो। आपके पास अगर दो दो हार्ड डिस्क है आप दोनों को एक साथ लगा सकते हो एक ही केबल से, कोई भी इशू नहीं है। आपको यहाँ पे हार्ड डिस्क अगर मैं बाहर निकाल के दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही इजीली ये अंदर जाता है, यहाँ पे सेटा वाला केबल इजीली अंदर जाता है। आपके मदरबोर्ड के बॉक्स में आपको एक ऐसा केबल देखने को मिलेगा जो कि बेसिकली सेटा टू सेटा है। इसका एक हेड जाएगा हार्ड डिस्क पे और दूसरा हेड जाएगा आपके मदरबोर्ड पे। अगर आपके पास सेटा एसएसडी, आपको एक और सेम केबल चाहिए होगा उसके लिए। यहाँ पे ये सारे जो पोर्ट्स है ये सेटा पोर्ट्स है, यहाँ पे आप किसी भी एक पोर्ट में आप इसको डाल सकते हो। अभी गाइस ग्राफिक्स कार्ड लगाने का टाइम आ चुका है, तो अभी मैं ग्राफिक्स कार्ड लेके आता हूँ। ग्राफिक्स कार्ड लगाने के लिए आपको यहाँ पे जो बैक पैनल होता है ना कैबिनेट का, वहाँ से आपको इस पार्ट को निकाल लेना है। निकालना बहुत ही ईजी है गाइस, सिर्फ एक या दो स्क्रू, ये कैबिनेट टू कैबिनेट डिपेंड करता है, केयरफुली करना थोड़ा सा। आपको इसको निकाल लेना है और यहाँ पे भी आपको शील्ड देखने को मिलेगा, वो भी आपको निकाल लेना है, क्योंकि वरना ग्राफिक्स कार्ड का जो ये पैनल होता है आपको ये बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। अभी जो ग्राफिक्स कार्ड का स्लॉट है उसमें भी आपको एक सेम क्लिप देखने को मिलेगा जैसा कि रैम स्लॉट में होता है, उसको भी आपको प्रेस करके ओपन कर लेना है और आपके ग्राफिक्स कार्ड को सिंपली प्लेस कर लेना है उस पोर्ट में। ग्राफिक्स कार्ड को प्लेस करने के बाद आपको स्क्रूज के मदद से ग्राफिक्स कार्ड को टाइट कर लेना है और जो कवर आपने निकाला था उसको भी स्क्रूज के मदद से लगा लेना है। अभी ग्राफिक्स कार्ड को पावर देने के लिए हमारे पास ये वाला PCIe केबल है, तो इसको हमें नीचे से अंदर लाना है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये एक 8 पिन कनेक्टर है, मेरे ग्राफिक्स कार्ड पे भी एक 8 पिन स्लॉट है, यहाँ पे 12 पिन स्लॉट भी हो सकता है या फिर 6 पिन स्लॉट भी हो सकता है। आपको सिर्फ ऐसे इसको प्रेस करके लगा लेना है इसमें। अभी अगर आपके पास एक एग्जॉस्ट फैन है या फिर एक से ज़्यादा भी एग्जॉस्ट फैन है उसको लगा लेना है। आपका जो फैन का मेन ब्रांडिंग होता है वो बेसिकली इनटेक करता है और पीछे वाला पार्ट एग्जॉस्ट करता है, तो वो ध्यान में रखना। तो इन फैंस को मैं एग्जॉस्ट की तरह ही लगाने वाला हूँ, तो ब्रांडिंग अंदर के साइड में होगा। अभी फैन के कनेक्टर्स को कनेक्ट करने से पहले मैं इस पर CPU कूलर ऐड करने वाला हूँ। CPU कूलर लगाने से पहले मुझे थर्मल पेस्ट चाहिए होगा क्योंकि ये मैं रिबिल्ड कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास एक नया CPU कूलर है उसमें थर्मल पेस्ट पहले से ही अप्लाइड रहता है तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी भी रीज़न से CPU कूलर को निकालते हो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप थर्मल पेस्ट ज़रूर अप्लाई कर लेना। मैं मास्टर जेल प्रो यूज़ कर रहा हूँ जो कि कूलर मास्टर की तरफ से आता है। थर्मल पेस्ट अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं सिंपली ऐसे ही पेस्ट कर रहा हूँ, इतना एनफ होने वाला है। इसके बाद अगर आप रेड प्रिज्म लगाने वाले हो तो आपको AMD का जो लोगो होता है उसको सीधा करके लेफ्ट साइड में मैच कर लेना है एग्जॉस्ट फैन के तरफ, वही सीधा होता है। यहाँ पे आपको लॉक देखने को मिलेगा, आपको आराम से, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन आपको आराम से लॉक को प्लेस करके लॉक कर देना है इसको। अभी आपको यहाँ पे एक CPU फैन का वायर देखने को मिलेगा, उस केबल को आपको CPU फैन हेडर में कनेक्ट कर लेना है, इससे बेसिकली आपका जो CPU फैन है उसको पावर मिलता है। अभी सिर्फ एक ही काम बचा है गाइस, हमें सारे फैंस को पावर देना है। इसके लिए हम मोलेक्स भी यूज़ कर सकते हैं जो कि हमने एक सेटा तो ऑलरेडी लगा ही दिया है। अभी क्योंकि मेरे पास कोई ARGB फैन नहीं है, मैं इनको मोलेक्स के साथ ही कनेक्ट करने वाला हूँ, मुझे RPM कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका जो मोलेक्स हेडर होता है वो बेसिकली फीमेल टू मेल होता है, तो आप एक साथ ही बहुत सारे मोलेक्स को कनेक्ट कर सकते हो। आप एक ही मोलेक्स हेडर यूज़ करके इनको पावर दे सकते हो, तो मैं सारे फ्रंट के जो इनटेक फैंस हैं उनको एक साथ एक ही मोलेक्स से पावर देने वाला हूँ और बाकी जो एग्जॉस्ट फैंस हैं उनको मैं एक अलग मोलेक्स से पावर देने वाला हूँ। अभी अगर आपको अपने CPU कूलर के जो फैन का RGB है उसको कंट्रोल करना है, आपको एक केबल चाहिए होगा जो कि आपके CPU कूलर के बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो इस केबल को आपको आपके CPU कूलर के नीचे एक छोटा सा पोर्ट मिलेगा उसमें कनेक्ट कर लेना है और इसका जो दूसरा हेड है उसको आपको आपके मदरबोर्ड पे एक और USB हेडर खाली रहेगा उसमें आप कनेक्ट कर सकते हो। अभी हमारा कंप्यूटर रेडी हो चुका है गाइस, आपको सिर्फ अपना साइड पैनल क्लोज कर लेना है। अभी जो आपका पावर केबल आपको सिर्फ पीछे की तरफ प्लग इन करना है। आपका कंप्यूटर बन चुका है गाइस, और ये जो डिस्प्ले का जो HDMI पोर्ट है मैं HDMI केबल यूज़ कर रहा हूँ, आप डिस्प्ले पोर्ट भी यूज़ कर सकते हो। ये HDMI केबल आपको मदरबोर्ड पे नहीं, ये HDMI केबल आपको अपने ग्राफिक्स कार्ड के पीछे डालना है गाइस। तो अभी मोमेंट ऑफ ट्रूथ गाइस, मैं कंप्यूटर बना चुका हूँ कि आइए स्टार्ट होगा, एक बार देख लेते हैं पावर स्विच दे के देख लेते हैं। चलो गाइस कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है। अभी तो आप एक कंप्यूटर बना ही सकते हो, इजीली बना सकते हो, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है सब कुछ दिखा दिया, आप आराम से अब खुद के लिए कंप्यूटर बना सकते हो।
तो शेयर करो वीडियो को प्लीज़, और सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।